किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि, युवा कांग्रेस द्वारा कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन और आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई किसानों को नरसिंहपुर में युवा कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। युवा कांग्रेस ने नरसिंहपुर के प्रमुख चौराहा इंदिरा चौक पर उक्त किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। शहर के बीचों बीच चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने उपस्थित होकर सरकार से किसान विरोधी इस काले कानून को वापस लेने की गुहार लगाकर किसानों को अपना समर्थन भी दिया है। जिला मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम में नरसिंहपुर शहर के सभी बड़े कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। विंध्या किरण के लिए नरसिंहपुर से मनीष शाह की रिपोर्ट। आज दिल्ली बॉर्डर में जो काले कानून के खिलाफ हमारे देश भर के किसान भाई, हमारे परिवार के लोग जो वहां पर शहीद हुए हैं, जिनकी इस भीषण ठंड और वातावरण के कारण हृदयघात आदि से जिनकी मृत्यु हुई है, उन मृतात्माओं को आज युवा कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौन श्रद्धांजलि से हमें निरंकुश सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसान भाइयों की इस पीड़ा को समझे और यह जो काला बैल है उसे वापस ले। मोमबत्तियां जलाई गई हैं, क्या कारण है, क्या मैसेज है? देश भर के किसान जो काले कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की बॉर्डरों पर डेरा डाले हुए हैं हजारों की लाखों की संख्या में, उन किसानों को मौसम और इतनी यातनाएं मिल रही हैं जिनके कारण वो शहीद हो रहे हैं। 60 से ज़्यादा किसान आज उस बॉर्डर पर शहीद हो गए। उन शहीदों को हमने यूथ कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कृषि कानून के खिलाफ सरकार को चेताना चाहते हैं। यूथ कांग्रेस सभी इस कृषि कानून के खिलाफ है और हम किसानों के साथ हैं।